एक्सप्रेस न्यूज। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा लगाकर देश व प्रदेश में भाजपा पार्टी अपना दबदबा कायम किए हुए है, वहीं जनपद रामपुर के गांव धर्मपुर के ग्रामीण गंदगी से निजात पाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह गंदगी से निजात नहीं ले पा रहे हैं। गांव के कब्रिस्तान में आज भी ना तो सोलर लाइट लगी हुई हैं और ना ही हैंडपम्प। ABPS न्यूज रिपोर्ट। ओमपाल सिंह जब धर्मपुर गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल भी नहीं है व कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा भी किया हुआ है। ग्राम प्रधान द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। और SDM साहब को दरखास्त दे रखी है, कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई आज तक, कोई सुनवाई नहीं हुई ना। 10 साल से दरखास्त दे रहे हैं, बाकी कोई सुनाई नहीं हुई। गंदगी इतनी ज्यादा है, लोग बाग फौज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फौज भी करने आते हैं, भी कर रहे हैं। देखो आगे, देखो इधर, देखो हमें यही है बस, ये जानवर ना बने यहाँ पे, सबसे मेन चीज ये है। कर्जा माफी क्या है, कुछ लोगों का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, आपका भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इनका कहना है कुछ लोगों का कर्जा माफ हुआ और कुछ का नहीं हुआ। आखिर इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद जमीनी स्तर पर सरकारें क्यों विफल हो जाती हैं? एक आम जनता को इतना दबाया कुचलाया जाता है, जबकि उन्हीं जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, तो उनको गांव में आकर इन गरीबों की, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और देखना चाहिए। अपने सहयोगी स्टाफ के साथ ABPS न्यूज़ के लिए रामपुर से मैं ओमपाल सिंह, नमस्कार।